स्वागत है एक बार फिर से आपका। देश बदला है लेकिन मुद्दे वही हैं, ये हमारा आज का विषय है। और इसमें एक टॉपिक को खास तौर पे हम डिस्कस करने की कोशिश करें, वो कास्ट सिस्टम है, जो कि बहुत मुश्किलें पैदा करता है सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और तमाम वर्गों के बीच में चुनौती की स्थिति बनाए रखता है। अभी बहुत थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशन चल रहा है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अभय जी, आप ना अपने हर बात में लास्ट में एक जो है ऐसी चीज़ छोड़ते हैं जहाँ से एक नया सवाल खड़ा होता है। अभी बहुत डिस्कशन हुआ इसमें, रामकृपाल जी ने जो बात की थी उसके आखिरी में एक लाइन उन्होंने कही कि जब लेखपालों के महासंघ होता है तो उसमें लेखपाल ही होते हैं। आप देखिए, डूटा, जूटा, लूटा, आईएएस एसोसिएशन, पीएस एसोसिएशन, डॉक्टरों के संघ में कंपाउंडर क्यों नहीं होता, डूटा में वहाँ का चपरासी क्यों नहीं होता। ये जो समस्या खड़ी होती है ना सर, कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा था सतीश जी से भी, कि आर्थिक संपन्नता आ जाने से या इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से ये समस्या हल नहीं हो रही, आपने कहा था नहीं हल होगी। ये क्या दूसरी चीज है, क्या कुछ सोच पे प्रॉब्लम है? नहीं, देखिए तो अभय जी के पास सर, सतीश जी, अभय जी के पास जी। देखिए, जो दुनिया पे जो पश्चिमी देशों का जो बौद्धिक प्रभाव है सारी दुनिया पे, उसने हम लोगों के दिमाग में एक फंडा भर दिया है, वो ये है कि समाज को यूनिफॉर्म होना चाहिए, सोसाइटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और अगर उसके अंदर कुछ कैटेगरीज हों भी तो वैसी हों जैसी कि वेस्टर्न सोसाइटीज में है, उस तरह की कैटेगरी हों। इसके अलावा जितने भी दूसरे समाज हैं जो यूनिफॉर्म नहीं है वेस्टर्न सोसाइटी में, उनको हमेशा आधा अधूरे समाज के तौर पर चित्रित किया जाता है, और उनकी अगर आर्थिक विकास नहीं हुआ है, यूरोपियन पैमाने पर आर्थिक विकास नहीं हुआ है, तो हमेशा ये बात कही जाती है कि इनका जो सामाजिक दृष्टि से आधा अधूरापन जो है ना, वो एक सामाजिक विकास न होने का एक बड़ा कारण है। वहां पर बात वहां पर ठीकरा पूरा फोड़ दिया जाता है। तो ये मुझे लगता है कि हम लोग जो ये चर्चा कर रहे हैं, जिसके पीछे ये आग्रह होता है कि जाति को समाप्त कर दो एक बार, तो भारतीय समाज की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, हम लोग एकदम तेजी के साथ आर्थिक विकास करते हुए अमेरिका ही नहीं, अमेरिका से भी आगे निकल जाएंगे वहां पर, और सब लोगों के पास जो कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद की कल्पना की थी कि हर आदमी के पास इतना प्रचुर उत्पादन होगा कि लोग बैठकर आराम से कविता पढ़ेंगे या मछली मारेंगे। तो ये मेरे ख्याल से ये पूरी जो कल्पना है, ये पूरा इमेजिनेशन जो है, ये पश्चिम द्वारा थमाया गया इमेजिनेशन है, उस पश्चिम द्वारा थमाई गई कल्पना है, जिसके आधार पर हम लोग अपने समाज के भविष्य को कल्पित करते हैं। मुझे लगता है कि ये कल्पना त्रुटिपूर्ण है, ऐसा भारतीय समाज न कभी था और ना होगा, आगे भी नहीं होगा, बिल्कुल दूसरे ही तरह का कुछ होगा। सतीश जी जवाब दीजिए, बताइए। सर मुझसे पूछा है? हाँ, अब तो समस्या वहीं फिर घूम के पहुंच गई, अब बताइए। नहीं नहीं नहीं, नहीं देखिए देखिए सॉरी, जाति भारतीय समाज की सच्चाई है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। देखिए, मैं दो एक उदाहरण देता हूं कि पूरी दुनिया का जो पूंजीवादी मॉडल है वो अमेरिका है। वहां जब 60 के अंतिम दशक में जब मार्टिन लूथर किंग का एक आंदोलन, ब्लैक्स वर्सेज आंदोलन हुआ, तो जो एक पूंजीवादी मॉडल भी बाकायदा उन्होंने डाइवर्सिटी के तहत जो ब्लैक्स लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं हिस्सेदारी तय करी। हमारे भारत का दलित 1935 आरक्षण अधिनियम के तहत कहीं ना कहीं आरक्षण का लाभ उठा रहा है, लेकिन आजादी के इतने दिनों बाद भी भारत में आरक्षित पदों के ऊपर नियुक्ति नहीं हुई। उसके पीछे कारण जाति भी हो सकता है या कुछ और हो सकता है, ये तो समाज शास्त्री लोग बताएंगे, लेकिन 70 के दशक में अमेरिका जैसे देश में ब्लैक्स को डाइवर्सिटी के तहत अगर ओलंपिक देखेंगे तो वहां की ब्लैक सोसाइटी आप दिखाई देगी, आपकी वहां की फिल्मों के अंदर वो सारे लोग दिखाई देंगे, वहां गीत संगीत में कहीं ना कहीं आपको ब्लैक दिखाई देंगे, वहां का लिटरेचर जो है, अगर एक तरफ अगर व्हाइट अगर लिटरेचर लिख रहा है तो वहां जो टोनी मॉरिसन भी आपको दिखाई देगी, जो व्यवस्था को कोस रही है और लोगों ने उसको स्वीकारा भी है। और अमेरिका जैसे देश में आप जो ब्लैक नोट लाइक मैटर जैसे आंदोलन भी चलते हैं, और उस आंदोलन में सिर्फ ब्लैक नहीं होते, उसमें व्हाइट भी होते हैं। भारत में जो ढांचा है समाज का, अगर दलित कोई आंदोलन चलाएगा तो अपर कास्ट व्यक्ति उसको लीड तो कर सकता है, लेकिन एक भीड़ के रूप में शायद ही कभी लोग शामिल होते हों।
मंचों की शोभा तो बढ़ा सकते हैं एक बौद्धिक वर्ग के रूप में। आप जातीय व्यवस्था को जहां कोसा जाता हो या मिटाया जाता हो या उसके खिलाफ कुछ किया जाता हो तो वहां जातीय व्यवस्था के ऊपर जो बैठा है वो मंच की शोभा तो बढ़ा सकता है लेकिन सड़क के ऊपर आंदोलन नहीं कर सकता या वो भीड़ का हिस्सा नहीं बन सकता। तो ये भारतीय समाज का कहीं ना कहीं सच्चाई है, मेरा मानना है, मुझे ऐसी उम्मीद है, मुझे लगता है कि हम जब धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी कुरीतियों को हमने छोड़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि भारत में जातीय व्यवस्था का दंश कहीं ना कहीं धीमा होगा। तमाम जो लोगों के अंदर जैसे जैसे आर्थिक परिवर्तन भी आएगा, जैसे आप देखेंगे कि जो शादियों में अगर आप देख रहे हैं तो शादियों में कहीं ना कहीं जाति में शादी करने के बहुत सारे फायदे भी हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं। कहीं ना कहीं दहेज जैसी व्यवस्था का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम अपनी जाति के अंदर सीमित होकर के ही कहीं ना कहीं हम उन चीजों को देखते हैं। तो सोसाइटी समझेगी, एजुकेशन, मुझे ऐसा लगता है कि भारत में ये चीजें कहीं ना कहीं कम होगी। और अगर भारत में इन व्यवस्थाओं को अभी भी औषधि के रूप में, गहने के रूप में अगर हम जाति को लेते रहेंगे तो भारत शायद विकसित नहीं होगा, वो अर्ध विकसित ही बना रहेगा। उसको विकसित होने में कहीं ना कहीं ये निर्णय लेना ही पड़ेगा कि एक सोसाइटी है। देखिए देखिए दो चीजें हमें, अगर दलित आगे बढ़ेगा तो भारत कैसे आगे नहीं बढ़ेगा। अगर दलित बीज भारत का हिस्सा है उसको भी आगे बढ़ना चाहिए। एक बहुत बड़ा मानव संसाधन है चाइना में, जो सबसे बड़ी उसकी इकोनॉमी जी विकास। सतीश जी रुकिए एक मिनट, नीरज जी, क्या सतीश जी और अभय जी एक ही बात कह रहे हैं अलग अलग तरीके से या दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस है? देखिए मैं भी मानती हूँ कि यूनिटी इज नॉट यूनिफॉर्मिटी। अगर हमको यूनिटी चाहिए, और भारत क्या कास्टिज्म, रिलीजन, करप्शन का एक बड़ा बहुत मुद्दा है जिसकी वजह से भारत आगे नहीं बढ़ा है। और हमने एक ग्रैंड विजन जो थी पहले, कहीं ना कहीं उसको भी, वो बहुत चीज़ें गौण हो गई। हम सब अपने अपनी छोटी छोटी दुनिया में अपने बारे में सोचते हैं, लार्जर विजन को हम नहीं, हमारे सामने रहा है हाल के दशकों में। तो कहीं ना कि हमने, मैं मानती हूँ, एजुकेशन, हेल्थ को हमने वो तूल नहीं दिया है जिससे हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसमें असली में स्किल्स हो ताकि वो देश को आगे ले जाए। तो कई कारण हैं जिसकी वजह से देश ने किया, लेकिन आज 77 साल की इंडिपेंडेंस के बाद 78वें साल में हम कल होंगे, तो हमें बहुत कुछ, हमने बहुत कुछ नहीं किया बट बहुत कुछ किया भी है, बहुत प्रगति की है, बहुत आगे बढ़े हैं। और एक एस्पिरेशनल रेवोल्यूशन जो है देश में, उसमें मैं महिला का रोल, जो आज जिस तरह से महिलाएं आज आगे आ रही हैं, जिस तरह से वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, जो वायलेंस उनके साथ होता है, ये नहीं चलेगा, तो ये सब डेमोक्रेटाइजेशन का ही एक हिस्सा है। तो बहुत मायनों में देश आगे जा रहा है जिस पे हमें गर्व है, और कई मायनों में जो यूनिटी हम चाहते हैं, मुझे लगता है उस डाइवर्सिटी को मद्देनजर रख के, उसको उसको मान के ही वो हम आगे चल पाएंगे। उसको हम नकारेंगे तो देश टूट जाएगा। जी रामकृपाल जी, सर कोशिश करिएगा सर एक डेढ़ मिनट में अपनी बात समाप्त करें। मैं समझ रहा हूँ, बहुत बहुत ही कम समय है सारे लोगों के बात। देखिए एक निजा फाजली की लाइन है कि इतनी बुरी नहीं है दुनिया, मैं दुनिया के लिए भारत के लिए कह रहा हूँ। और मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं, लेकिन हौसले भी हैं हमारे। मैं एक बात कहता हूँ, देखिए पहचान जैसे अभय जी कह रहे थे, ये पता नहीं कौन लोग सोचता है कि हम अमेरिका हो जाएंगे, हमें अमेरिका होने की जरूरत ही नहीं। मेरा ये कहना है कि इसी देश में, नीरज जी एक बात ध्यान रखिएगा, भाषा जो है वो धर्म से भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है अगर उसके सवाल पर आप एकजुट करेंगे तो। धर्म भाषा से भी नीचे चला जाता है और जाति तो उससे भी नीचे चली जाती है। तो कई ऐसा होता है कि मैं वही कहता हूं, हथियार और औजार में फर्क क्या है। एक छुरी अगर नींबू काटती है तो वो औजार है, वही छुरी अगर गला काटे तो हथियार है। मेरा ये कहना है कि अपनी विविधता को आप सदुपयोग उसका कीजिए, दुरुपयोग नहीं कीजिए। हम हजारों साल से अलग अलग चीजों में धार्मिक विभाजन के बावजूद हम साथ रहे हैं। हमने अपना बचपन गुजारा है जहां हमारे पीछे माइनॉरिटी के लोग, उनको चाचा कहते थे, सारे लोग हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि हाँ, ये कुरीतियां जो है निश्चित रूप से जाएंगी,
धीरे धीरे जाती है। मैं वही कहता हूं कि सांप की केचुल जितनी नई आएगी उतनी ही पुरानी उघड़ेगी। उसको आप जबरदस्ती फाड़ करके निकालने की कोशिश कीजिएगा तो सांप मर जाएगा। ऐसे ही समाज में है, शहरीकरण, औद्योगिकरण, और जब हमारे जो है आर्थिक हित एक क्लास बनते हैं तो बहुत सारी चीजें अपने आप चली जाती हैं। और ये कि मैं कॉलम में मेरे नाम के आगे सरनेम क्या लिखा जाता है फलाना के नागे, हम यहाँ पर तो कुछ भी शहर में कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कौन है क्या है। तो मेरा वही कहना है कि किसी भी चीज का वही बात है कि औजार को औजार रहने दीजिए, उसको हथियार मत बनाइए। और पॉलिटिशियन ये जानते हैं कि औजार है ये, लेकिन उसको समय आने पर वोट के लिए हथियार बनाते हैं। राइट, तो ये एक बड़ी गंभीर चर्चा थी जो हमने इस मौके पर रखी, जो कि आज़ादी के हम लोग जश्न में हैं। समाज का जो विकास है ना, वो बहुत अलग अलग पहलुओं पे, अलग अलग बिंबों पे खड़ा होता है। जैसे हमने उदाहरण दिया कि प्रोफेसरों का संघ है तो उसमें बेचारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी क्यों नहीं है, आईएएस वाले में पीसीएस क्यों नहीं है, पीसीएस छोड़ो आईपीएस से लड़ते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सोच में चीज़ें आती हैं, लेकिन इसको कम किया जा सकता है शिक्षा से, और उस सोच को बदलने में मदद मिल सकती है, और उसमें उपयोगितावाद बहुत महत्वपूर्ण होती है कि आप समाज के लिए कितना उपयोगी उस व्यक्ति को बनाते हैं, और इसमें समाज की और प्रशासन की सत्ता की जिम्मेदारी होती है। तो जो अभयधिकरण है वो भी काफ़ी हद तक सही है कि आप एकदम एक ऐसे यूटोपिया वाले ख्याल में मत जाइए कि सब कुछ वैसा हो जाएगा। और जो सतीश जी कह रहे हैं कि आप प्रयास करेंगे तो चीज़ें बदलेंगे, ऐसा भी नहीं कि नहीं बदल सकती हैं। तो इसलिए इस विषय को बहुत गंभीरता से मुझे लगता लेने की ज़रूरत है, जिससे कि एक मतलब वो शब्द नहीं होगा, अच्छा समाज बन सके। आप लोग ज़रूर मुंबई दिल्ली से बड़े शहरों में आए होंगे, रहे होंगे, यहाँ जरा हाई सोसाइटीज़ में जाइए, जो उच्च वर्ग कुलीन वर्ग, इतना घनघोर वहाँ जातिवाद है कि आप सोच नहीं सकते हैं, घनघोर जातिवाद है वहाँ पे। मैं उसी मोड़ पे लाना चाह रहा था जो मैं बार बार अभय जी से कह रहा था कि वहाँ भी घनघोर जातिवाद, वहाँ जातिवाद सरनेम को लेकर नहीं है, आपकी उपयोगिता और आपकी हैसियत को लेकर के है। फिर वो धीरे धीरे परकुलेट होता है और आपके सरनेम पे ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन वो एक बहुत गंभीर समस्या है जिससे हमें जूझना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि कुछ इससे लोगों को मदद मिली होगी समझने सीखने में। दो तीन विषय इसमें और, जैसे एक धर्म वाला विषय है, महिलाओं का विषय है, करप्शन का विषय, ये सब एक एक घंटे के डिबेट के विषय हैं। कोशिश करूँगा कि अगले कुछ दिनों में इन पर भी चर्चा करें। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और सबको आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई।